ये तली हुई प्याज है हमारी। फिर बताइएगा कि निहारी आपको कैसी लग रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो कैसे हैं आप सब? तो उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। तो आज बना रही हूँ मैं मटन निहारी। तो मटन निहारी में जिन जिन चीज़ों की मुझे ज़रूरत है उसमें है, ये 1 किलो मैंने मटन लिया है, बकरी का गोश्त, और ये लहसुन अदरक है, दही, ऑयल, और ये है पिसा हुआ ज़ीरा, नमक, हल्दी, और ये है टाटरी, और ये पिसी हुई मिर्ची, और ये है सौंठ, अदरक पाउडर, और ये है तली हुई प्याज, और ये है निहारी मसाला। और बाकी जो मुझे गार्निश के लिए चीज़ें चाहिए होंगी, जिसमें मुझे हरा धनिया, लीमू, अदरक और हरी मिर्ची। तो अब मैं इसको बनाना शुरू। पतीली जो है वो मैंने चूल्हे पे रख ली है, ये गर्म हो रही है। इसमें डालूंगी पहले ऑयल, और निहारी जो है थोड़ा मैं डिफरेंट तरीके से बना रही हूँ। तो पतीली जो हमारी गर्म हो गई है, और मैं निहारी में जो है तकरीबन मैंने ये ऑयल लिया है। तो आपको पता है निहारी ऑयल जो है थोड़ा ज़्यादा ही जाता है, तो ये मैं सारा नहीं डालूंगी। ये मैंने तकरीबन आधा लिया है ऑयल, यानी कि अगर ये 1 कप है ना, तो मैंने आधा कप ऑयल लिया है। तो ये गर्म हो जाए तो फिर मैं, तो ऑयल जो है ये हमारा गर्म हो गया। अब इसमें मैं डालूंगी ये मटन। ये मटन जो है तकरीबन 1 किलो है, और ये मैंने इस साइज की इसमें ये देख लें हड्डियाँ और बोटियाँ ये इस तरह लिए। मटन जो है सारा इसमें मैंने डाल दिया है। ये थोड़ा सा इसको ऊपर नीचे करके इसके ये अच्छे से मिक्स हो जाए ऑयल के साथ, तो मैं इसकी आँच हल्की करके इसको हल्की आँच पे छोड़ दूँगी। और देखा था आपने कि मैंने किस तरह गोश्त को ऑयल डाल के पकने के लिए रख दिया है। जब तक उसका कलर चेंज होगा और वो थोड़ा सा पकेगा, तो तब तक मैं निहारी का मसाला अलग से तैयार करती हूँ। तो सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी ऑयल। ये जो ऑयल लिया था आधा उधर कर दिया था, आधा हमने इधर कर दिया है। तो ये ऑयल डाल दिया है मैंने। ऑयल गर्म हो जाए तो फिर मैं, तो ऑयल जो है हमारा गर्म हो गया, सबसे पहले इसमें डालूंगी मैं लहसुन अदरक। तो लहसुन अदरक जो है तकरीबन ये 3 चम्मच है। दो तीन सेकंड जो है मैं इस तरह इसको थोड़ा सा इसकी भुनाई करूंगी। चूल्हे की आंच जो है वो हमारी फुल है। तो आप जो मैंने आपको मसाले दिखाए थे और बताए भी थे कि कितनी कितनी मैंने क्वांटिटी ली है, और मतलब 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच सौंठ, 1 चम्मच नमक, आधा चम्मच हल्दी, टाटरी जो है बिल्कुल आधा चम्मच ली है, और रेगुलर मिर्च जो है लाल वाली वो भी आधा चम्मच है। इसमें डालूंगी मैं ये ब्राउन हुई भी प्याज। इसको 1-2 सेकंड भूनेंगे। थोड़ा सा पानी डाल डाल के इसकी धुलाई करनी है। ये प्याज जो है मैंने पहले से ब्राउन करके रख ली थी, जो इसमें मैंने डाली हुई है। इसमें डाल रही हूँ मैं ये दही। ये दही तकरीबन 3 चम्मच है। मसाले को जो है वो हम अभी अच्छा सा पकने देंगे।
ताकि जो मसाले का लहसुन अदरक का जो भी कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। तो तकरीबन 5-6 मिनट में फिर से भुनाई करूँगी, फिर मैं दिखाती हूँ। तो मसाला भुनते भी जो है 5 मिनट हो चुके हैं, जो देख लें चावल अच्छे से आ गए ऊपर। अब मैं इसमें डालूँगी ये निहारी मसाला। निहारी मसाला जो है आप चाहे होम मेड लें या किसी भी ब्रांड का ले लें। तो ये तकरीबन 2 चम्मच डाल देंगे हम। तो मसाले को जो है मैं 1-2 मिनट और भूनूंगी, जो मैंने निहारी मसाला डाला है इसको थोड़ा सा पका के फिर मैं ये सारा मसाला उठा के गोश्त में डाल दूंगी। तो मसाला जो मैंने डाला था निहारी मसाला उसको डालते हुए 1 मिनट हो गया है। तो अब मैं ये सारा मसाला जो है जो मैंने इस टाइम आपके सामने गोश्त को पतीली में डाल के और इनके साथ थोड़ा सा उसको पकाया था, अब मैं ये सारा मसाला जो है उसमें डाल दूंगी। जो सारा मसाला था मैंने गोश्त में डाल दिया, अब इसमें पानी डाल के इसको मैं पकने के लिए रख दूंगी। कि आप देखिए कितना टाइम लेता है, 45 मिनट 35 मिनट कितना टाइम लगता है। तो वैसे तो अभी इसको पकते हुए गोश्त को तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। तो अब मैं इसमें पानी डाल के इसको पकने के लिए रख दूंगी। तो ये जो तकरीबन इसमें है 3 गिलास पानी है, तो ये मैं इसमें डाल दूंगी। और अब जब तक ये गोश्त गल नहीं जाता तब तक ये पकता रहेगा, फिर मैं टाइम आपको उसी वक्त बताऊंगी कि कितना टाइम लगा है। तो गोश्त जो है हमारा गल चुका है, तकरीबन इसको 1 घंटा लगा है गलने में। मैं भी आपको उसकी बोटी चेक कराती हूँ। गोश्त जो है हमारा ये देखें कैसे गल चुका है, किस तरह से ये टूट रहा है। ये देखें। तो अब इसका जो है हम सारा ऑयल बाहर निकाल लेंगे। ये इसका जितना ऑयल है मैं बाहर निकाल के फिर मैं आगे बताती हूँ कि अब क्या करना है। तो इसका जो ऑयल है वो मैं ऊपर ऊपर से सारा निकाल रही हूँ। ऑयल जो है ये देखें तकरीबन निकाल लिया है। तो अब इसमें जो थोड़ा बहुत रह गया उसको रहने देंगे, क्योंकि इसका मसाला भी साथ ही आ रहा है। तो कोशिश तो यही की थी कि सारा ऑयल निकल आए। तो ये निकल चुका है सारा ऑयल। अब हम इसमें इसकी ग्रेवी हमें कितनी रखनी है उस हिसाब से मैं थोड़ा सा इसमें पानी डाल के इसको थोड़ा पकाऊँगी, और फिर उसके बाद इसमें मैं आटा डालूँगी। बाद में इसकी ग्रेवी जो है बनाने के लिए पानी इसमें जो डालूंगी तकरीबन मैंने इसमें 2.5 गिलास के करीब पानी डाला है। और ये इसकी इतनी देखिए इतनी थिकनेस है। बाकी ये कि फिर मैं देख जब आटा डालूंगी फिर मैं चेक करूंगी कि। तो निहारी में डालने के लिए ये मैंने 1 टेबल स्पून जो है मैंने ये आटा लिया है। तो अब मैं इसको जो है पानी के साथ थोड़ा इसकी मिक्सिंग करूंगी कि कितना मुझे निहारी में डालना है। तो आटे को ना ज़्यादा गाढ़ा रखना है ये, इसके जितने भी लम्स बन रहे हैं इनको सबको ख़त्म करना है। इसमें पानी थोड़ा और डालेगा।
अब हमारी ये निहारी में जो उबाल आ गया, अब इसमें जो है मुझे आटा डालना है। तो आटा मैंने आपको बताया था कि इसमें 8 चम्मच मैंने आटा लिया है और तकरीबन आधे गिलास से ज़्यादा इसमें पानी के साथ मैंने इसको घोला है। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ और देखती हूँ कि कितनी इसकी ग्रेवी बनती है। तो साथ साथ इसका जो है चम्मच चलाते रहना है ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने। अब इसको हमें जो है तकरीबन 6-7 मिनट के लिए पकने के लिए रखना है कि जो आटे का कच्चापन है वो निकल जाए। निहारी हमारी जो है हो गई है डन। तो अब मैं इसको जो है डिश आउट कर रही हूँ। तो निहारी आपने देखी मैंने किस तरह बनाई है, और ये एक थोड़ा सा यूनिक तरीका था। तो आप मैं इसमें डालूंगी निहारी के लवाजमात। तो पहले तो मैं ये ऑयल डालूंगी जो आपने देखा था कि मैंने निकाला था, ऑयल अलग से सेपरेट कर दिया था उसको। निहारी में नमक, मिर्चें, हल्दी ये आप अपनी मर्ज़ी से डालें, क्योंकि कोई ज़्यादा खाता है कोई कम, तो ये चीज़ें जो है आप अपनी मर्ज़ी से डालें। बाकी तरीका जो है मेरा वाला फॉलो कर लें उसको। तो ऑयल जो है वो मैंने डाल लिया है। अब मैं इसमें डालूंगी ये हरा धनिया। इसके बगैर जो है ना निहारी अधूरी है। ये अदरक है जिसको मैंने जूलियन कट में काट लिया है। ये हरी मिर्ची हैं और ये तली हुई प्याज है हमारी, और इसमें लीमू भी जाएगा जो अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है। तो अगर आपको मेरी वीडियो निहारी की पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट में बताइएगा कि निहारी आपको कैसी लग रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।